हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सब हम सभी के नए सफर के अंदर, तो यार हमारे कुछ करने को कुछ था नहीं आज, तो हिमाचल में मैंने एक प्लान बनाया है। हमारे पास है सिर्फ 5,000 रुपये, तो हमने डिसाइड किया कि हम कहीं जाते हैं। तो भी सिद्धांता कहीं जा रहा है, लंबा ट्रिप है उसका, तो मैं उसके साथ नहीं जाते हैं हम लोग। 5,000 हमारे पास है, हम एक काम करते हैं, हम हरिद्वार चलते हैं, ऋषिकेश चलते हैं, और हम ये देखते हैं कि 5,000 में हम कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर। तो उसके लिए हमने एक बैग तैयार कर लिया, गाड़ी है हमारी, ये रही, माइलेज हम आपको बता देंगे इसकी। अब हम आप इसमें टास्क क्या है हमारे लिए, चैलेंज हमारे लिए ये है कि हम अब आपको दिखाएंगे कि 5,000 रुपये हमारे पास टोटल है। 5,000 में हम दो बंदे एक बाइक, घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, अभी सब कंप्लीट कैसे होता है, और जिस दिन पैसे खत्म हो जाएंगे घर वापस आ जाएंगे, आपको भी बता देंगे। तो ये आपको बताने के लिए हमारे लिए एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, कि अगर कभी कम पैसा हो तो क्या करना है, हमारी तरफ बोर हो रहे हो तो चले जाना है ना। तो अब उसकी तैयारी करना और वेट करना, कुछ अच्छा आने वाला है इस वीडियो के अंदर, बहुत मज़ा आएगा यार आपको, तो देखते रहना। तो जी आज है दिन वापस से सेम एक साल पहले की तरह, आज हम लोग नहीं तभी तो डिस्कशन हमारा पास इतना सही बैग है। हमारी ट्रिप जस्ट स्टार्ट हुई थी, हमें मेरठ वाले रास्ते पे, और तुम्हें मैं दिखाऊं एक चीज़ हुआ है जीटी में, फिर से वही कांड जो लद्दाख पे हुआ था, छोटा मोटा भी नहीं। ये देखो यार किला यार, अब ये इसके चक्कर में हमें 2-2.5 घंटा रुकना पड़ेगा, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम आगे। तो हमारा ट्रिप अच्छा जा रहा था और सही चल रहे थे, हम लोग घर से अभी तक 50 किलोमीटर दूर आए हैं, और हमारे साथ हो गया है एक सीन। वैसे ये सीन तो काफ़ी देर पहले हो चुका है, हम लोग काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, है ना, हम लोग सो चुके हैं। इसका हो गया टायर का पंचर, बहुत बड़ी कील लग गई थी इसके अंदर ना। तो अभी हमने आर एस से तो बुला ली थी, आर एस से बुलाने के बाद फिर हम ये है कोई मतलब तहसील वहसील है वहाँ पे हम थे, वहीं हमने बाइक खड़ी कर रखी है, तो आर एस से बुला लिया, आर एस से वाला भी टायर लेके गए हैं। हम लोगों को हुए 2-2.5 घंटे हो गए हमें रुके हुए यहाँ पे, और आर एस से आने के बाद फिर हम लोग फिर निकलते हैं, फिर आपको कहीं ढाबे पे रुकेंगे तो फिर बताएंगे आपको, है ना। बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था कि हमारे साथ एक सीन हो गया है, चलो बाय। सबसे बड़ा दुख इनको है, दिख रहा है ना। बहुत मुश्किल कार रहा है भैया ये, टायर हो गया, अब इसके कैलिपर सेट कर रहे हैं। हमने जस्ट लिया है थोड़ा सा ब्रेक, मुझे नींद आ रही थी यार थोड़ी थोड़ी, सिद्धांत को भी थोड़ी सी नींद आ रही थी, हमने सोचा थोड़ी सी चाय वाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं आगे, है ना। ये जो रहा टोल, जस्ट टोल के जस्ट बगल में कि है ढाबा टाइप, वेलकम टू हरिद्वार ब्रो। भाई अभी कर रहा हूँ आपके रिले शूट, फाइनली हम पहुँच गए इतनी मुश्किलों के बाद, हैं वो पंचर वाला किस्सा ना होता ना यार, हम यहाँ पे बहुत पहले ही पहुँच जाते हैं। 4 घंटे लग गए पूरे पूरे, उसमें 4 घंटे बर्बाद किए हमने, और 2 घंटे में हम हरिद्वार पहुँच गए, ये समझ लो आप। बहुत प्यारा व्यू है यार, आई थिंक ना यहाँ पे बारिश हो रही है जिसकी वजह से आप व्यू देखो,
इतना खूबसूरत व्यू ना आज तक नहीं मिला हमें। हम इतनी बार हरिद्वार आए और इतने टाइम से यहाँ पे मतलब देखा है, ये व्यू ना हमने हमेशा रीलों में देखा है, स्टोरीज में देखा है लोगों की, हम लोगों ने पहली बार देखा है भाई। बहुत प्यारा व्यू है। आप कुछ कहना चाहोगे भाई इसके बारे में? भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बस इससे थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे बस चोपटा वगैरह। अभी तो भाई हमने एक कुछ और ही सुनना सुनाई दे रहा था कि चोपटा बंद है, देखते हैं अभी काम तक वेट करेंगे, कल सुबह देखते हैं। ये बंदा परेशान है, यहाँ पे हो रही है बारिश है ना। अब क्या करें, हम लोग यहाँ रुक गए थे, हमें भाई मिले छोले भटूरे वाले, छोले कुलचे, तो हम लोग यहाँ पे छोले कुलचे खा रहे हैं। मेरा तो वाटर प्रूफ है भाई फोन। सही में? हाँ हमारा तो नहीं है, कंपनी क्लेम भी नहीं है। बाकी गाड़ियों पे सारा पूरा कवर कर दिया है, आगे पीछे ऊपर नीचे भाई, ताकि कुछ भी सामान गीला ना हो, कपड़े भी गीले ना हो, हम गीले हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई गाली मत पको यार, ये छोले कुलचे भी यार बड़े टेस्टी से लग रहे हैं, पता नहीं हम व्यू के चक्कर में आए या फिर फील ही अलग है इनकी, है ना भाई, अपने यहाँ से बिल्कुल अलग टेस्ट का इनका। जैसे हम खतौले अंदर खाते हैं और फिर निकलते हैं यार, देखते हैं क्या करते हैं आगे, क्योंकि हम बारिश में फंस गए हैं एक तरीके से। अब बारिश थोड़ी सी धीमी हो गई है ना, तो हम देखते हैं आगे निकलते हैं या फिर पीछे जाना, क्या करते हैं जो बेटर ऑप्शन होगा। बहुत सारे कांवड़िया जा रहे हैं हमारे, चलो मिलते हैं। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। जैसा कि आपको व्लॉग में पता चल ही गया होगा कि हमारा टायर पंचर हो गया था, जिसकी वजह से हमने 4 घंटे बर्बाद किए। तो फाइनली हमें जाके हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश तक हमें कोई शॉप नहीं मिली जहां इसका टायर अवेलेबल हो, तो फाइनली हमें शॉप मिली है भैया की, है ना। और यहाँ पे हमें बाय लक जो टायर हमारा ऑलरेडी लगा हुआ था वही टायर मिल गया। इधर टायर दिखा दो, फाइनली इसकी खुशी अलग ही चमक रही है। और हमने नया टायर आगे गले में डाल दो भाई, है ना। तो अब हम इसे फिट करवा रहे हैं, भैया हमारे फिट कर दे रहे हैं इसे, बस जल्दी से हो जाए एक और टेंशन ख़त्म। बाकी तो ये देखो फुल, भाई कह रहा है मैं लूँगा फोटो, मज़ेदार है ना। देखो आगे क्या ही होता है, इसे फटाफट फिट कराते हैं और फिर हम, पता ही क्या यार, हम लोगों ने पूरा बारिश में ट्रैवल किया भाई, बारिश के चक्कर में ना हम सारे गीले, हमारी गाड़ियां पूरी गीली, ये बंदा पूरा गीला, जिंदा गीला, ये भी पूरा गीला, ये भाई भी गीले, मैं भी गीला। तो अभी हम ये कराते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं हम क्या करते हैं यार, कि कोई जगह वगैरह मिल जाए हम लोगों को। सोच रहे हैं होटल वटल लेना पड़ेगा, वो लेके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और कपड़े वपड़े चेंज करेंगे यार, हम पूरे गीले हो रखे हैं क्योंकि प्रॉपर। और हम लोग रेनकोट भी नहीं लेकर आए, वो भी एक इशू हो गया है, तो पहले रेनकोट भी खरीदना है, हम सोच रहे हैं पोंचो ले लेंगे अपने लिए। और पता नहीं यार ये ट्रिप ना यार बड़ा परेशान था, ना सारे टायर्स मिलेंगे ये बाइक से लेकर के ट्रक तक के सब अवेलेबल है, नहीं हुआ तो ये करा देंगे, दिक्कत की क्या बात है। भाई बैठे हैं यहाँ पे, है ना, और हमारी गाड़ी का काम चल रहा है यहाँ पे। ये हमारा हो रहा है क्या? फाइनली ये खुल गया, दुख दर्द पीड़ा सब एक साथ सुना है ना, वही हो रहा हमारे साथ।